साद आ गया और बड़ी मुश्किल से उसे मैंने यहाँ रहने के लिए रोका है। क्यों रोका है आपने? जाने देती। सुनी चुप कर जाओ। पहले ही मामला बहुत खराब हो गया, उसे मजीद मत उलझाओ और माहिन समझाओ इसे। रुखसती से पहले ही अगर तलाक का धब्बा लग गया ना तो लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अम्मी, ना मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत और ना ही शौक। आपका दामाद है ना अम्मी, आपको देख लेना। खबरदार, अगर तुमने साथ से कुछ कहा और उससे उलझने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। आंटी, आपने साथ को रोक तो लिया है, अब उस पर नजर भी रखिएगा। हाँ हाँ रख लूंगी नजर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। या आप मुझसे किस तरह से बात करेंगे? तो कैसे बात करूं? नहीं, अभी तो मेरा दुख भी, दुख को ताजा जख्म की तरह पालती रहोगी तो दुखी रहोगी। इसलिए सब भूलकर आगे बढ़ो भाई।